खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया गया गया। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ भारत में और मैं हूँ आपके साथ गायत्री। आपको जानकर हैरानी होगी कि नया साल अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। सिर्फ पार्टी करना या दोस्तों के साथ हैंग आउट करना ही नहीं है नए साल का मतलब, कुछ पुरानी परंपराएं भी हैं जो कई देशों में निभाई जाती है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं नए साल पर निभाई जाने वाली 10 ऐसी परंपराएं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। The 12 Grapes of Luck, Spain. स्पेन में नए साल पर गिनकर 12 अंगूर खाने की परंपरा है। One for every strike of the clock until midnight. यानी कि जैसे ही आपकी घड़ी 12 बजे 12 घंटी बजाती है, आप एक एक कर अंगूर अपने मुंह में डालते जाते हैं। ये अंगूर खट्टे हैं या मीठे, इससे अंदाजा लगाया जाता है कि आपके आने वाला साल कैसा होने वाला है। इस ट्रेडिशन को आप 12 लकी ग्रेप्स का नाम भी दे सकते हैं। माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत 1909 में हुई थी। स्मैशिंग प्लेट्स डेनमार्क। ये है डेनमार्क का सबसे यूनिक ट्रेडिशन। 12 बजते ही आपके दोस्त, परिवार के सदस्य या पड़ोसी आपके फ्रंट डोर यानी कि सामने वाले दरवाजे पर कांच की क्रॉकरी फेंक फेंक कर तोड़ते हैं। माना जाता है कि जिसके घर के सामने सबसे ज्यादा क्रॉकरी टूटी होती है उसको उतने ही ज्यादा दोस्त और गुड लक मिलता है। इस ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए लोग पूरे साल अनयूज्ड क्रॉकरी को संभाल कर रखते हैं। तो अगर अगली बार न्यू ईयर के वक्त आप डेनमार्क में रहे तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। स्केयरक्रो बर्निंग इक्वाडोर। इक्वाडोर में एक बड़ा ही अजीब किस्म का ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर 12 बजे से पहले लोग पुराने कपड़े, अखबार या भूसे को भरकर कुछ पुराने पुतले तैयार करते हैं। ये पुतला किसी भी मशहूर हस्ती का हो सकता है, जैसे कि कोई पॉलिटिशियन, कोई फिल्मी सितारा या कोई मशहूर सिंगर। इस पुतले को मास्क पहना दिया जाता है और फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं इन पुतलों में आग लगा दी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पिछले साल की जितनी भी बुरी शक्तियां थी वो सब नष्ट हो जाती हैं। वेयर कलरफुल अंडरवेयर। लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि मेक्सिको, बोलीविया और ब्राजील में आपका नया साल कैसा होगा वो आपके अंडरवेयर के रंग से पता लगाया जा सकता है। माना जाता है कि अगर अंडरवेयर लाल है तो आपके जीवन में प्यार आएगा, और अगर अंडरवेयर पीला या सफेद है तो जल्द ही आपके पास ढेर सारा पैसा आने वाला है। नए साल पर अपनी जरूरत क्या है उसके हिसाब से लोग अपने अंडरवेयर का रंग चुनते हैं। मिसलटो एंड ब्रेड। आयरलैंड। नए साल पर आयरलैंड में एक नहीं दो दो परंपराएं निभाई जाती हैं। इस दिन मिसलटो जो कि एक तरह का बेरी भी है उसको तकिए के नीचे रखकर सोने की परंपरा है। ये परंपरा अक्सर सिंगल लड़कियां भी निभाती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से उनको अच्छा जीवन साथी मिलता है। यहाँ एक और परंपरा निभाई जाती है और वो है ब्रेड को दीवार और दरवाजे पर दे मारना। कहते हैं ऐसा करने से बुरी आत्माएं और बैड लक को अपने करीब आने से रोका जा सकता है। 108 रिंग। जापान। जापान में नया साल रात के 12 बजे से शुरू हो जाता है। यहाँ के बुद्धिस्ट टेम्पल्स में मौजूद 108 घंटों को 108 बार बजाया जाता है। जापानीज़ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ऐसा करने से उनके पिछले साल के सभी पाप धुल जाएंगे। द ट्रेडिशन इज टू बेसिकली रिंग द बेल 107 टाइम्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। और परंपरा के हिसाब से जापानीज़ इस घंटी को 107 बार साल के आखिरी दिन बजाते हैं और फिर 108वीं घंटी नए साल के पहले दिन बजाते हैं। है ना कमाल का ट्रेडिशन। राउंड थिंग्स। फिलीपींस। फिलीपींस में रहने वाले लोगों के लिए नए साल का मतलब है पैसा, इसलिए वो मानते हैं कि नए साल के मौके पर ऐसी चीजें अपने पास रखें जो गोल हो। अब गोल इसलिए क्योंकि वो सिक्के को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए नए साल के पास वो ऐसी चीजों के साथ ज्यादा दिखेंगे जो कि गोल है, जैसे कि खाने में अंगूर का सेवन, कपड़ों में पोल्का डॉट्स का डिजाइन, हाथों में कड़े या चूड़ी। और सिर्फ ये नहीं, वो अपनी जेब में ढेर सारे सिक्के भी रखते हैं ताकि उनकी खनक हमेशा उनके कानों में पड़ती रहे। टॉसिंग फर्नीचर आउट ऑफ द विंडो। इटली। आहा, ये है ना सबसे यूनिक तरीका नया साल सेलिब्रेट करने का। ये नजारा है इटली का, जहाँ नए साल पर लोग अपनी अपनी बालकनी से पुराने फर्नीचर को फेंकते हुए देखे जा सकते हैं। कहते हैं ये तरीका है पुराने को छोड़कर नए को वेलकम करने का। साथ में ये भी दर्शाता है
कि आप अपने जीवन को एक फ्रेश स्टार्ट दे रहे हैं। ऑडली इनफ, दिस कस्टम इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन योहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका, फर्स्ट फुटिंग स्कॉटलैंड। नए साल पर स्कॉटलैंड के लोग जो ट्रेडिशन सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं वो है फर्स्ट फुटिंग का, हिंदी में बोले तो पहला कदम। माना जाता है कि नया साल शुरू होते ही यानी रात के 12 बजे के बाद से जो भी कोई पहला आदमी उनके घर में प्रवेश करेगा वो ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ आएगा। ये गिफ्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, पैसे, केक, वाइन बॉटल और एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। ऐसा करने से घर में सुख शांति तो आती है, साथ ही गुड लक भी आता है। कार्प स्केल्स, जर्मनी। जर्मनी में नए साल के मौके पर एक खास खाना बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सिल्वेस्टर कार्पफेन। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो आपको बता दें, दिस इज अ बेक्ड, पैन फ्राइड, ग्रिल्ड और स्मोक फिश, यानी कि मछली से बनी एक खास डिश। ये डिश एक खास तरह की मछली से बनाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, माना जाता है कि इस मछली के शल को अगर आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपको पूरे साल कभी पैसे की कमी नहीं होगी। हाउएवर, रिमूविंग द स्केल इज सीन एज रिमूविंग द लक। ये सारे के सारे ट्रेडिशंस कितने यूनिक है ना, पर हमारे भारत में इसके जैसा एक भी फॉलो नहीं किया जाता। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भाई हमारे भारत में एक जनवरी नहीं बल्कि चैत्र के महीने में नया साल मनाया जाता है। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। और हाँ, इस तरह की खबरें अगर आपको अच्छी लगे तो हमें जरूर बताइएगा। हमारा ये चैनल इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगा, वहां भी हमें लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तब तक के लिए टाटा।